राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो राम जी का नाम लें या हम हरि का नाम लें, बात एक ही है। और बहुत ही पावन, बहुत ही श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी का व्रत आ गया है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और नियम के विषय में। और बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित करने वाले हैं। और आज आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। जो लोग भी हमारे नारायण के भक्त हैं, हमारे श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो वो लोग ये वीडियो बिल्कुल भी देखने का मौका हाथ से जाने ना दें। बहुत ही ध्यान से सुनें, बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके हम बहुत सुंदर सी स्क्रिप्ट तैयार करके तब एक वीडियो आपके लिए बना के तैयार करते हैं। और जब आपका एक लाइक आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ माह में तपने वाली गर्मी, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, कहा जाता है सबसे ज़्यादा गर्म जो दिन होता है वो निर्जला एकादशी का ही होता है। तो ज्येष्ठ माह में जब शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आती है, वो दिन इतने, एक तो गर्म महीना है, ऊपर से चारों तरफ से तपन वाली गर्मी में निर्जल व्रत, बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है, जिसका फल बहुत ही श्रेष्ठ मिलता है। अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है निर्जला एकादशी व्रत का, क्योंकि यह व्रत सच में एक तप के जैसा है। जैसे तपस्या की जाती है, उस तपस्या का ही एक हिस्सा है निर्जला एकादशी का व्रत। तो चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि साल में 24 बार आती है। इनमें से सभी एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में अन्न के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर जल ग्रहण करना चाहिए। इस वर्ष निर्जला एकादशी 18 जून को है और दिन पड़ रहा है मंगलवार का, तो आप इस व्रत को पूरा करने के बाद 19 जून को सूर्योदय के बाद ही जल ग्रहण कर सकते हैं, पूरा दान पूजा आदि करने के बाद। निर्जला एकादशी में अन्न के अलावा पानी ग्रहण करना भी वर्जित रहता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं लिया जाता है। हालांकि बीमार होने की स्थिति पर पानी ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं रखना चाहिए। वह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किंतु आपको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी बहनें गर्भ धारण कर चुकी हैं या जो गर्भस्थ हैं, जिनके गर्भ में शिशु पल रहा है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यदि आपका गर्भ में कोई दूसरा जीव है और आप ऐसे में पानी भी नहीं पी रहे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए गर्भावस्था की अवस्था में निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब अगले दिन व्रत का पारण किया जाए। इसके बाद श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण के निमित्त अन्न, जल, धन जो भी दान करना है वो करें और गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किंतु उनका पूजन दूर से अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी एकादशी व्रत करती हैं तो और तुलसी माँ माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। कहा जाता है कि तुलसी माँ एकादशी के दिन व्रत रखती हैं और निर्जला एकादशी में उनका निर्जल व्रत होता है, तो ऐसे में पौधे को स्पर्श करना पाप माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून को सुबह 5:23 से 7:28 के बीच में किया जाएगा। बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है, समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है, बहुत ही कठिन व्रत है अगर इसे देखा जाए तो। तो जो भी लोग व्रत करना चाहते हैं बहुत सोच समझ कर आप संकल्प लें। देखिए व्रत तो रखना है, व्रत तो करते हैं, किंतु आप निर्जल व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं ये बात आप अपनी शारीरिक अवस्था को देखकर सोचें तभी संकल्प लें। अन्यथा आप इस तरह का कोई कठिन संकल्प ना लें कि आप 24 घंटे निर्जल व्रत रखेंगे। रख सकते हैं तभी लें, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि देखिए संकल्प तो हम लेते ही हैं ना व्रत में, और संकल्प हमें सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अगर आप रखने के लायक अपने आप को समझ रहे हैं कि आप इस योग्य हैं कि आप बिना पानी पिए रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रख लीजिए। और यदि आपका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है, आपकी बॉडी आपको इतना वो नहीं सपोर्ट नहीं करती है कि आप बिना पानी पिए 24 घंटे रह पाएं, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा गर्मी भरा हुआ दिन होता है। वर्ष में सबसे ज़्यादा गर्मी निर्जला एकादशी के व्रत में ही होती है। ये व्रत होता ही तभी श्रेष्ठ है क्योंकि ये अपने आप में इंसान को तपाने वाला व्रत है। ये तप है, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत ही श्रेष्ठ है ये। तो यदि आप सारी चीज़ों को देख लें, और हाँ जो भी आपको कल के लिए, यानी कल व्रत है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, 18 तारीख है, कल आपका व्रत होगा, तो आज से नियमों का पालन करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का कोई प्रयोग खाने पीने में नहीं करना है। मैं आपको कहूँगी यहाँ पर कि आज के दिन आप बाहर का कुछ भी मत खाइए, क्योंकि आप बाहर का तला भुना किसी तरह का कुछ खाएंगे तो आपको कल प्याज ज़्यादा लगेगी। ठीक है, हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ व्रत रखा जाता था और रात में उड़द की जो दाल होती है काली छिलके वाली, वो खाई जाती थी खाने में। वो किस लिए खाई जाती थी? ताकि कल प्यास ना लगे। कहा जाता है वो ठंडी होती है और वो प्यास नहीं लगने देती है। साथ ही फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध, जितना आप ठंडापन बर्दाश्त कर सकते हैं वो पिएं, मतलब साथ में नहीं, दाल के साथ में नहीं पीना है। आप सारी बातों को ध्यान रखें। अगर यहाँ पर हम कुछ गलत बोल भी जाते हैं, कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं, तो आप अपने दिमाग से भी सोचें, नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आप खूब पानी पिएं, अच्छे से पानी पिएं, तामसिक चीज़ों का प्रयोग भोजन में ना करें, और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग आप खाने पीने में करें ताकि कल आपको कम प्यास लगे। दूसरी बात हम आपको यहाँ बताएंगे, कल जब देखिए किसी भी व्रत में हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और रात को अपना दांत और मुंह अच्छे से क्लीन करके साफ करके सोएं। ठीक है, रात के 12 बजे से पहले पहले आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोगों को 11 तो बज ही जाते हैं सोने में, इसलिए आपको बता रहे हैं 12 बजे से पहले पहले आप पानी पी लें। रात के 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना है आपको, इस बात का भी ध्यान रखें। और आप इतना और सुन लें, जितना ज़्यादा ठंडा आप पानी पियोगे उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी, तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, ना गर्म पानी पिए, क्योंकि गर्मी की वजह से आरओ में तो गर्म पानी ही आ रहा है, और ना ही बहुत अधिक ठंडा पानी पिए। ठीक है, और इसके अलावा आप
जो भी व्रत का सामान है, दान का, पूजा पाठ का, घड़ा है, जैसे खरबूजा है, आम है और केले हैं, फूल हैं, जो पूजन की सामग्री है, दान पुण्य जो भी आपको करना है, चीनी मिश्री वगैरह, वो सारी चीज़ें, पंखा, ये सारी चीज़ें आप आज ही लेकर आ जाएं और धूप में ना जाएं, शाम के समय जाएं और लेकिन बाहर का कुछ भी खाएं पिए ना, जैसे गोलगप्पे और टिक्की, बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं कुछ भी ना खाएं इस तरह की तीखी मिर्ची वाली, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को खाने पीने से प्यास बढ़ती है, प्यास बहुत अधिक लगती है। तो जो भी खाएं अपने घर में खाएं, फल खाएं और मिर्ची मसाले का प्रयोग आज कम से कम करें, ना करें तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ उड़द की दाल ही खाई जाती थी एकादशी व्रत से पहले, क्योंकि कहा जाता था कि कम प्यास लगेगी, प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी, ऐसा बोला जाता था। तो इस तरीके से अपने अपने घर के जो नियम होते हैं उनका भी पालन कर लें, साथ ही आप सोच समझकर संकल्प लें। यदि आप 24 घंटे का रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह का संकल्प ना लें। आप संकल्प लें कि जो भी भगवान की कृपा होगी, जिस तरह से आप अगर रख पाए 24 घंटे बिना जल पिए तो रख लोगे, और नहीं तो अगर बीच में जल पीना पड़ गया तो पी लोगे, क्योंकि स्वास्थ्य को देखना बहुत आवश्यक है ना। और ध्यान रखें, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको पूजन करना है भगवान का। लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हैं तो उनका पूजन अवश्य करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं। इसके बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी पूजा करें, दूर से करें, स्पर्श ना करें पौधे को, और इस तरह से डेली की जो पूजा होती है अपनी कर ले। करके आप एक ऐसे रूम में रहें जिसमें ठंडा हो रूम, और बहुत अधिक गर्म ना हो, जिसमें बाहर के लोग ज़्यादा आए जाएँ ना, फ़ोन पर बात ना करें। देखिए, इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक तो प्यास कम लगेगी, दूसरा क्या होगा, आपके सर दर्द आदि की समस्या नहीं होगी, और तीसरी चीज़ ये होगी कि आप कोई भी बुराई करने से बच जाएंगे। क्योंकि देखिए, फ़ोन पे हम जब बात करते हैं चार लोगों से तो तरह तरह की बात होती है, तो बात अब आप करेंगे तो उससे भी गला सूखता है, प्यास लगती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बातचीत नहीं करनी है आपको, है ना। पहले से ही सबको समझा दें, जो भी आपके जानने वाले हैं, कि भाई सॉरी कल हम फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, नहीं तो अपना स्टेटस अपडेट कर दें कि कल फ़ोन पे बात ना करें, कुछ अर्जेंट हो तो मैसेज कर लें। इस तरह से आप अपना व्रत शांतिपूर्ण तरीके से करें, घर में किसी से कोई बहस कोई कलेश ना करें, सबको समझा दें। क्योंकि देखिए, बिना पानी के 24 घंटे तक रहना कोई आसान बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी तपस्या है अपने आप में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आप 24 घंटे यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सुबह से शाम तक तो आसानी से रहा जा सकता है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मुंह में पानी भर के कुल्ला करके थूक दें, इससे क्या होगा, गला आपका थोड़ा सा तर हो जाएगा पानी से, लेकिन पानी आपके गले के अंदर ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो शाम के समय आप पंडित जी से संकल्प कर, पूजा का जो संकल्प होता है वो सुबह व्रत का संकल्प हुआ, शाम के समय अगर संभव हो सके तो पंडित जी से, नहीं तो आप स्वयं ही भगवान की पूजा कर लें और जो दान का सामान है उसको सामने रख के और दान कर, मतलब दान की अवस्था में उसको सजा लें, रख लें और वहीं पर प्रणाम कर लें, भगवान को नमन कर लें, उसके बाद आप शिकंजी शरबत इस तरीके की चीज़ें पिएं, एक गिलास, डेढ़ गिलास, दो गिलास, लेकिन खाएं कुछ भी ना। यदि आप कैपेबल हैं, यदि आप रख सकते हैं तो इसके बाद, वैसे तो देखिए रात्रि को जागरण होता है, लेकिन जागरण किस अवस्था में होता था पहले, कि जब एक एक परिवार में खूब सारे लोग होते थे, जैसे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर व्रत पूजा करते थे तो पता नहीं चलता था रात कहाँ बीत जाती है। पर आज का समय बदल चुका है, सब अपने अपने घरों में अकेले होते हैं, किसी घर में एक ही जना व्रत है, किसी घर में दो, किसी में चार, इस तरीके से हैं। तो जागरण कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने आराम करें, लेकिन जल ग्रहण ना करें। अगले दिन उठना है आपको, 4 बजे उठ जाइए, स्नान कीजिए, स्नान करके आपको पूजा की तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करके आप शरबत ज़रूर बनाइए। देखिए,
जब आप व्रत आपका पारण होगा तो वैसे तो भोजन बनाया जाता है, भोजन तो बनाना ही बनाना है, साथ में आपको शरबत बनाना है। चाहे आप नींबू की शिकंजी, चाहे आप रू अफ़ज़ा वाला शरबत बना लीजिए, चाहे आप किसी और चीज़ का शरबत बना लीजिए, ऐसा बनाइए कि व्रत में पी सकें आप। लस्सी बना लीजिए, तो इस तरीके से शरबत को भी दान किया जाता है। उसके बाद आप ब्राह्मण के निमित्त, ये दान जो होता है ये ब्राह्मण के निमित्त ही आपको करना है पारण के समय, तो भोजन के साथ में आपको शरबत का दान अवश्य ही करना है। दान करने के बाद कुछ दक्षिणा आदि भी रखनी है दान में, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, आप मंदिर जाने की अवस्था में नहीं हैं, तो आपके घर में कोई कन्या है या बाहर कोई कन्या आपको मिल जाती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कन्या भी साफ़ सुथरी होना चाहिए, स्नान करी हुई होनी चाहिए और 10 साल से कम की होनी चाहिए। तो पहले कन्या का पूजन करें, उसको आप एक गिलास शरबत या शिकंजी पिलाएं, भोजन कराएं, उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें, स्वयं शरबत या शिकंजी पिएं। सब आपको ध्यान ये रखना है कि इस व्रत में जल का महत्व है, जल के बिना आपको व्रत रखना है, तो पारण के समय भी आपको जल ही ग्रहण करना है। आपको शिकंजी सबसे अच्छी रहती है, उसमें नमक नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। चीनी और नींबू डालकर आपको अच्छे से पानी में, ठंडे पानी में शिकंजी बना लीजिए और पी लीजिए। तो इस तरीके से होता है व्रत। और दान के लिए देखिए, दान की तो कोई था नहीं होती है, कोई दान का तो इतना मान होता है कि आपको क्या बताएं, कम से कम आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोना चांदी जो दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन भूमि का दान, गौ का दान, स्वर्ण का दान, बहुत सारे तरह तरह के दान करते हैं। और देखिए नियम तो यही है, झगड़ा कलेश नहीं करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, जितना प्रभु को भज सकते हैं, नारायण को, लक्ष्मी माँ को खूब भजिए, भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते रहिए। इस तरीके से व्रत आपका पूर्ण होता है। शाम के समय भगवान के आगे आरती दिया जलाकर उनका कीर्तन करें, सुंदर भजन गाएँ, जितनी शक्ति सामर्थ्य आपके शरीर में उस हिसाब से आप काम करें, और बाकी अपना देख लीजिए जैसे आपके कुछ। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए व्रत से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपको जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित। मन तो बहुत सारी बातें करने का कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में मैं आपको बताऊं, आज तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मैं एकादशी का भी नहीं रखती हूँ, निर्जला एकादशी का भी नहीं रखती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो निर्जला एकादशी का व्रत मैं रखती थी। और मुझे जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि मैं कैसे रखती थी, मेरी मम्मी मेरे लिए क्या करती थी। और मेरे घर में मैं अकेली नहीं रखती थी, मैं, मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पास पड़ोस में चाचा चाची, बहुत सारे लोग, मतलब क्या बताऊँ, पूरा कुनबा इकट्ठा होकर व्रत रखता था। तो वो फीलिंग ही अलग होती थी, वो रौनक, वो बात ही अलग होती थी, बताने में ही आनंद आ रहा है, पुरानी यादें आ रही हैं। तो मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा है कि हम तो ऐसे रखते थे, हम तो वैसे रखते थे, लेकिन आप जैसे भी रख सकते हैं रखिए, बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्रत होता है। तप करने वाला दिन है, तपस्या का दिन है, तो बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखें, भगवान उन्हें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें, उनके प्रेम को स्वीकार करें, उनकी भक्ति को स्वीकार करें, कि आप लोगों का व्रत सफल हो। ऐसी ही कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। और हाँ, तुलसी के पत्ते आज ही आप तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि कल आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, और नारायण की पूजा में तुलसी पत्र होना ही चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक सभी लोग कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य लिखिएगा। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे।